गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का साइंस का चैप्टर है फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग। हम क्या देखते हैं कि हमारे चारों ओर जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वो क्या होता है, मैटर्स। इस यूनिवर्स के अंदर हर एक चीज़ होती है वो मटेरियल से बनी होती है। साइंटिस्ट ने उस मटेरियल को नेम दे दिया मैटर। जिस एयर के अंदर हम सांस लेते हैं, जो खाना हम खाते हैं, स्टोन्स हैं, क्लाउड्स हैं, स्टार्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, एवरीथिंग वो क्या होता है, वो मैटर। या हम ओवरऑल ये डेफिनेशन दे सकते हैं मैटर की, कि वो मटेरियल जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका कुछ मास होता है उसको हम मैटर बोल सकते हैं। जैसे शैडो है वो क्या होती है, उसको हम मटेरियल नहीं बोल सकते क्योंकि ना उसका कोई मास होता लेकिन स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो दोनों चीज़ होनी चाहिए, उस स्पेस भी ऑक्यूपाई करनी चाहिए, उसका मास भी होना चाहिए, उसी को हम मटेरियल बोलेंगे। उसके बाद साइंटिस्ट ने मैटर की दो टाइप की क्लासिफिकेशन की, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे, सेकंड है केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे। तो फिजिकल ने इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैटर की फिजिकल नेचर। सबसे पहले हैं कि जो मैटर होता है वो किससे मिलके बना होता है। तो हम बोल सकते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में ऐड होके मैटर की फॉर्मेशन करते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे वाटर है, वाटर क्या है, एक अलग मैटर है। साल्ट है, एक अलग मैटर है। हमने एक 100 ml का बीकर ले लिया, उसके अंदर देखा, वाटर डाला उसके अंदर और उसका लेवल है वो मार्क कर लिया बीकर के ऊपर। फिर हमने उसमें डाला साल्ट, एक स्पून साल्ट डाला। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसको स्टीर किया। फिर देखते हैं थोड़ी देर के बाद कि जो साल्ट के मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के अंदर वो इंटरमिक्स हो जाते हैं और थोड़ी देर के बाद वो डिजोल्व हो जाते हैं, डिसअपीयर। तो इससे हमें क्या मिलता है कि जब हम साल्ट को वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो जो पार्टिकल्स हैं साल्ट के वो वाटर के अंदर जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसके अंदर खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो एक मैटर है वाटर, उसके अंदर भी पार्टिकल्स थे बहुत सारे, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स। वैसे ही साल्ट है, उसके अंदर भी पार्टिकल्स हैं। दोनों के बीच में स्पेस होता है और आपस में एक दूसरे को इंटरमिक्स कर लेते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि जो हमारा मैटर है वो पार्टिकल से मिलके बना होता है, और जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज कितना हो सकता है, उसको हम एक दूसरी एक्टिविटी से देखते हैं। हम लेते हैं एक बीकर के अंदर 100 ml वाटर ले लिया, उसके अंदर हम एक क्रिस्टल ऐड करते हैं पोटासियम परमैंगनेट का। पोटासियम परमैंगनेट का जब हम वाटर के अंदर क्रिस्टल ऐड करेंगे तो उसका पिंक कलर हो जाता है। पोटासियम परमैंगनेट पिंक कलर देता है सॉल्यूशन को। फिर क्या करते हैं, हम इसमें से 10 ml सॉल्यूशन लेंगे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसको एक फ्रेश वाटर है 90 ml उसके अंदर डालेंगे, उसके अंदर भी क्या हो जाता है, लाइट कलर। इस 10 ml सॉल्यूशन की वजह से इसके अंदर पोटासियम परमैंगनेट क्रिस्टल डिजोल्व हुआ था और 90 ml वाटर है वो फ्रेश था। फिर हम दोबारा करते हैं, इससे 90 ml इसमें से 10 ml सॉल्यूशन लेते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, इसमें से फिर हम 90 ml फ्रेश वाटर के अंदर ऐड करते हैं। तो ये प्रोसेस हम 3-4 टाइम्स करते हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं, जो स्टार्टिंग में जो हम KMnO4 डिजोल्व किया था वो डार्क पिंक कलर का था, लेकिन जो लास्ट में है वो थोड़ा लाइट पिंक कलर का हो जाता है, और प्रोसेस करेंगे तो और लाइट कलर का होगा। इससे हमें क्या देखा कि जो क्रिस्टल है KMnO4 का, उसके वो बार बार डिजोल्व करते हैं तो वो क्या करता है, डिवाइड होता है फर्दर और स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर और डिजोल्व हो जाता है और पिंक कलर देता है हमारे सॉल्यूशन को। तो हम ये कह सकते हैं, फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल इन जस्ट वन क्रिस्टल। एक क्रिस्टल था जो पोटासियम पर मैग्नेट का, उसके अंदर मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स प्रेजेंट थे और वो फर्दर डिवाइड होता जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं ओवरऑल कि हमारे जो मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल साइज के होते हैं, जिनको हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते जिनके साइज की हम। उसके बाद है जो हमारा मैटर है उसकी करैक्टरिस्टिक।
मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है, अट्रैक्ट करते हैं, मतलब पार्टिकल्स की करेक्टरिस्टिक है ये। सबसे पहली है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। एक मैटर है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, मान लीजिए ये वाटर है या फिर साल्ट है, डिटोल है, कोई भी है, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, स्पेस। या हम ये बोल सकते हैं कि जब हम चाय बनाते हैं उस टाइम दो चीज़ों को मिक्स करते हैं, तो इसके अंदर भी क्या था, स्पेस प्रेजेंट था, इसलिए वो आपस में दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। या फिर ये बोल सकते हैं नींबू पानी, इसमें हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर शुगर ऐड करते हैं, तो शुगर एक अलग मैटर है, वाटर एक अलग मैटर है, तो क्या होता है कि इन दोनों, वाटर के अंदर भी स्पेस प्रेजेंट होता है और शुगर के अंदर भी, इसलिए वे आपस में एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। हमने पीछे भी एक्टिविटी में देखा था, अगर हमारे वाटर के अंदर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता तो जो सॉल्ट है वो ऐसे का ऐसा रहता, वो इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। लेकिन हम क्या देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद वाटर और सॉल्ट के मॉलिक्यूल आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं, इसका मतलब जो हमारा वाटर है उसके अंदर, मोटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर स्पेस प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूअसली मूविंग। जो हमारा मैटर है वो पार्टिकल्स से मिलके बना होता है, और जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टीन्यूअसली मूव करते रहते हैं, वो एक जगह पे फिक्स नहीं होते। जैसे हम एग्जांपल से देखते हैं, हमने एक अगरबत्ती को किसी कॉर्नर्स में जलाया, तो हम क्या देखते हैं थोड़ी देर बाद कि जो हमारी स्मेल है अगरबत्ती की वो सारे रूम में, कंप्लीट रूम में फैल जाती है। तो इससे हम देख सकते हैं कि जो हमारे अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स थे, अगरबत्ती एक मैटर हो गया, उसके जो पार्टिकल्स थे वो एक जगह पे फिक्स नहीं रहे कॉर्नर्स के अंदर, वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते हैं और कंप्लीट रूम के अंदर फैल जाते हैं। एक हम सेकेंड एक्ट, इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते हैं। सेकेंड देखते हैं हम एक्टिविटी, उसमें क्या देखते हैं, एक बीकर लेते हैं, उसमें हमने 100 ml वाटर लिया, उसके अंदर हमने एक रेड कलर की साइड वाइज से इंक डाल दी। फिर क्या देखते हैं, थोड़ी देर बाद जो हमारा वाटर था उसका कलर रेड हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इंक है इसके पार्टिकल्स मूव नहीं करते तो हमारा जो वाटर है उसका कलर पहले जैसा रहता, लेकिन क्या हो जाता है, रेड। इसका मतलब जो वाटर के मॉलिक्यूल, इसके रेड इंक के मॉलिक्यूल है वो कॉन्टीन्यूअसली मूव किए वाटर के अंदर और इसके अंदर खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। इससे भी हमें यही मिलता है कि जो पार्टिकल्स हैं हमारे मैटर के वो कॉन्टीन्यूअसली मूव करते हैं। थर्ड हमने क्या लिया, बीकर के अंदर वाटर लिया जिसके अंदर 100 ml हॉट वाटर लिया, एक सेकंड बीकर लिया जिसके अंदर हमने कोल्ड वाटर लिया, दोनों के अंदर सेम एक क्रिस्टल डाल दिया KMnO4 का, पोटासियम पर मैग्नेट का। हम क्या देखते हैं, जो हमारा हॉट वाटर था उसके अंदर तो फास्ट डिजोल्व हो जाते हैं हमारे पोटासियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल, इसका तो फास्ट पिंक कलर हो जाता है, लेकिन जो कोल्ड वाटर था इसका स्लोली पिंक कलर होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि हॉट वाटर के अंदर क्या होता है, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनका टेम्परेचर हाई है, लेकिन कोल्ड वाटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनका टेम्परेचर लो है। इसके अंदर क्या होता है, जो पार्ट हमें इससे ये तो है कि पार्टिकल्स हमारे मैटर के वो कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहे हैं, तो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं जिस एनर्जी के साथ मूव करते हैं उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतने ही पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, उतने ही वो फास्ट मूव करेंगे, उतने ही ज़्यादा उनके अंदर डिफ्यूजन होता है। तो हॉट वाटर के अंदर क्या होता है, हॉट वाटर के अंदर क्या होता है, जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं और ज़्यादा फास्ट इसके साथ इंटरमिक्स हो जाते हैं और फास्ट इसका जो पिंक कलर होता है वो दे देते हैं, लेकिन कोल्ड वाटर के अंदर उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो लो होती है।
फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा डिफ्यूज़न क्या होता है। डिफ्यूज़न क्या होता है, अगर हमने दो मैटर ले लिए, एक जैसे वाटर ले लिया था, एक सॉल्ट ले लिया, तो दोनों के पार्टिकल्स आपस, दोनों के डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, एक वाटर मैटर के पार्टिकल्स हैं, एक साल्ट वाटर के पार्टिकल्स हैं, तो दोनों आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं अपने आप, कुछ टाइम के लिए रख देते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। उसके बाद हम पढ़ते हैं लास्ट प्रॉपर्टी पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करते हैं, उनके अंदर फोर्स प्रेजेंट होता है। हम मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, आयरन नेल, एक लोहे की कील है, उसको हम हथौड़े से ब्रेक करते हैं, एक चाक का टुकड़ा ले लिया उसको हम काटते हैं, एक रबर बैंड ले लिया उसको हम स्ट्रेच करते हैं, तीनों में क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इनको ब्रेक करने के लिए, इनको स्ट्रेच करने के लिए, क्योंकि इनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से फोर्स के साथ बाइंड होते हैं और इनको ब्रेक करने के लिए बहुत हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स हैं जो मैटर के अंदर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो मैटर है, उनके अंदर क्या होता है, फोर्स एक्टिंग करता है और फोर्स होता है वो पार्टिकल्स को एक साथ बाइंड करके रखता है। तो हमने इसके अंदर क्या देखा स्टार्टिंग से, कि सबसे पहले मैटर क्या होता है, कोई भी चीज़ जिसका कुछ ना कुछ मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको हम मैटर बोल सकते हैं। मैटर होता है वो पार्टिकल्स से मिलके बना होता है, और जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल साइज के हो सकते हैं जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। उसके बाद जो हमारे पार्टिकल्स थे उनकी हम करैक्टरिस्टिक पढ़ते हैं, कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और कॉन्टीन्यूसली मूव करते हैं, वो फिक्स नहीं होते, और जो कॉन्टीन्यूसली मूव करते हैं उनका इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर पे, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा उनकी मूवमेंट होगी, उतनी ज़्यादा उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी, उतनी ज़्यादा फास्ट वो आपस में इंटरमिक्स होंगे। आज के लिए इतना ही।